प्रभु आज जैसे तेरे बच्चे तेरे सन्मुख आए हैं, हर एक को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हर एक के जीवन के सारे बंधन हम यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ऑनलाइन में जुड़ने वाले हमारे सारे भाई बहन और परमेश्वर पिता यहाँ पे भवन में उपस्थित हमारी सारी बहने, आज भाई बहन यीशु के लहू में हम हर एक को ढांपते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा लहू हमें प्रभु जी आशीष देता है, तेरा लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। प्रभु यीशु तूने क्रूस पे जो बलिदान दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज तेरे बलिदान को हम याद करते हैं प्रभु जी, और तेरे बलिदान के कारण ही आज हमारा मेल मिलाप ये परमेश्वर पिता से हो सका है। प्रभु जी आज हमें अपने लहू से धो के शुद्ध कर, पवित्र कर। प्रभु जी हर एक जन जो ये समाज को सुन रहे हैं प्रभु उनके जीवनों में तो चिन्ह चमत्कार चंगाइयां छुटकारे के काम आश्चर्य काम कर, उद्धार कर प्रभु जी, उन्हें नया जीवन दे प्रभु, उनके जीवन के सारे बंधन तोड़ दे, आशीष दे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुंदर से कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आइए हम थोड़े समय के लिए प्रभु का वचन देखेंगे। अपने बाइबल को हम खोलेंगे। आप जो सब लोग आए यहाँ पे प्रभु परमेश्वर के वचन के आदर में, प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करें, आपको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। अपना समय निकाल के आप आए, अपने समय निकाल के आए, इसलिए परमेश्वर भी अपना समय निकालेगा और आपको आशीषित करेगा, आपके बच्चों को आशीषित करेगा, आपके बच्चों का भला करेगा, क्योंकि आपने अपना समय निकाल के प्रभु के भवन में आप आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर देखता है आपकी विश्वास योग्यता को कि आप प्रभु के भवन में आए हो और प्रभु को टाइम दे रहे हो। आप हमें टाइम नहीं दे रहे हो, आप प्रभु को टाइम दे रहे हो। हालेलुया, बोलिए मैं प्रभु के लिए आए हैं, हम प्रभु के लिए आए हैं, हम प्रभु को समय दे रहे हैं और प्रभु मुझे भी समय देगा, प्रभु मुझे भी आशीष देगा। मेरी परेशानी में प्रभु दौड़ के आएगा, मेरे परिवार के लिए प्रभु दौड़ के आएगा और मुझे आशीष देगा। जी हाँ, जो प्रभु के भवन में आते हैं उनको प्रभु परमेश्वर आशीषित करता है, प्रभु परमेश्वर उनको आनंदित करता है, उनके जीवन के सारी जरूरतों को पूरा करता है।
और ये प्रभु परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं भैया, ये कैसे प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु परमेश्वर के भवन में जाए। आज हम देखते हैं कि इलेक्शन का जमाना है, इतना इलेक्शन के लिए पैसा खर्चा करते हैं लोग, सारी पार्टियां, बीजेपी लो, कांग्रेस लो, सपा लो, या हर एक पार्टी के लोग अपना सारी ताकत, अपना सारा पैसा डाल रहे हैं लोगों को क्या करने के लिए, अपने पास खींचने के लिए। कि क्यों खींच रहे वो, क्योंकि उनको अधिकार की जगह चाहिए, उनको क्या चाहिए, अधिकार की जगह। और अधिकार प्राप्त करके वो समाज की सेवा करना चाहते हैं। हर एक जन दावा करते हैं कि हम सबसे अच्छी सेवा करेंगे, हर पार्टी कहेंगे कहती है कि हम सबसे अच्छी सेवा करेंगे समाज की, इसलिए तुम मुझको क्या करके दो, चुन के दो, वोट डालो हमारे लिए। ऐसे ही बीजेपी कहती है, ऐसे आम वाले भी कहते हैं, ऐसे कांग्रेसी कहते हैं, सब लोग ऐसे कहते हैं। सबको अधिकार चाहिए ताकि वे समाज का कल्याण कर सके, समाज का भला कर सके। प्रियो, इस अधिकार की कुर्सी के लिए सब लोग लड़ रहे हैं, लड़ने की कोशिश है कि मैं मुख्यमंत्री बन के सेवा करूं, मैं प्रधानमंत्री बन के सेवा करूं, मंत्री, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब क्या, सेवा करने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने हमको सेवा करना सिखाया। प्रभु यीशु ने कहा कि जो तुम में सबसे बड़ा बनना चाहे वो सबका दास बने। इलेक्शन के समय में तो सच में सबके दास बन ही जाते हैं, गरीब गरीब झुग्गियों में जाके भी पैर ले लेते हैं, और इलेक्शन के बाद क्या करते, तो खैर वो सब हमको पता है ना, ही हम किसी की बुराई करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं कि जो सच में काम करके दिखाते हैं, काम करके दिखाते हैं। मैं यहां पर किसी जहर जो ये होते ना नेतागिरी, उनके विरोध में या उनके पक्ष में नहीं बोलने के लिए नहीं हूं, ना ही मैं किसी पार्टी के पक्ष में बोलूंगा। लेकिन मैं यहां पे हम देखते कि अधिकार के लिए जैसे सब लोग लड़ रहे हैं, मेरी सरकार इस प्रदेश में भी आए, मेरी सरकार उस प्रदेश में भी आए, हमारा राज्य सारे भारत पर हो, ऐसे हर एक जन चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि खरा अधिकार, खरा अधिकारी कौन है, खरा अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए, हालेलुया। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के अधिकार, अगर इस अधिकारी के अधीनता में आए। अब सब लोग जो है केजरीवाल के साथ फोटो खींचो, केजरीवाल को जाके लेटर दो, पंत प्रधान को जाके लेटर दो, और पंत प्रधान से बातचीत करो, सब लोग जो है उस अधिकार के पीछे भागते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह भी अधिकारी है, और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना है। आजकल बड़े बड़े अधिकारियों के पीछे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह जो अधिकारी है, खरा अधिकारी, उसके पीछे आप लोगों जो यहां पे आए हो, आप लोगों ने यीशु की प्रभुता को बड़ा समझा है, इसलिए आप आज प्रभु के भवन में आए हो या इस कार्यक्रम को देख रहे हो, अपना समय दे रहे हैं आप। ताली बजाओ अपने लिए, वेरी गुड, हालेलुया। कि हमने प्रभु की प्रधानता, प्रभु यीशु का अधिकार को हमने जाना है। आज हम देखेंगे 10-11 बातें, जल्दी जल्दी देखेंगे कि कौन सी बातों पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर प्रभु कहता कि मेरा अधिकार है। यूहन्ना उसके 17 अध्याय और उसके पहला और दूसरा वचन, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे,
क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। मेरे बीच बोलो, क्योंकि हे पिता, तूने अपने पुत्र को यीशु मसीह को सब प्राणियों पर अधिकार दिया। तो सारे प्राणियों पर अधिकार किसका है प्रियो? प्रभु यीशु मसीह का। आपको जीवन देना और आपसे जीवन लेने का अधिकार किसको है? प्रभु यीशु मसीह का। आपको अनंत जीवन देना या अनंत जीवन के लिए नरक में भेजना, ये किसका अधिकार है? प्रभु यीशु मसीह का। आज इस अधिकार को बहुत सारे लोग जानते नहीं है, वे दुनियावी अधिकारी के पीछे भागते हैं। उस ऑफिस में कौन बैठता है, सबसे बड़ी कुर्सी किसकी है, किसको प्रमोशन मिल गया, सबसे बड़ा ऑफिसर कौन बना है, इन ऑफिसर के पीछे ही लोग भागते रहते हैं। जब कोई ऑफिसर रिटायर हो जाता है तो कोई उसको पूछता भी नहीं, और जब तक वो अधिकारी उसके एकदम जो है लल्लो पल्ले, उसको खाना खिलाओ, उसको चमचागिरी करो, उसको बटरिंग करो। लेकिन खरा अधिकारी मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह सारे प्राणियों का अधिकारी है। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह सब प्राणियों का अधिकारी है। हाँ, जीवन लेना और जीवन देना ये प्रभु के हाथ में है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार जो है वो हम देखते हैं कि कैसे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। कैसा अधिकार है? बाइबल में पढ़े, अगर आप देखें वहां पे मत्ती उसके 28 अध्याय का 18 वचन, वहां पे लिखा है स्वर्ग और सारा पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग का भी अधिकारी है वो और पृथ्वी का भी अधिकारी है। सबसे पहला टॉप ऑफिसर हमारा जीसस क्राइस्ट है, फिर उसके नीचे जो है वो शैतान ने इस पृथ्वी को कब्जा कर लिया है, गलत तरीके से वो कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा अधिकारी कौन है पृथ्वी का? प्रभु यीशु मसीह। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह को जो है अगर आप देखें कि अधिकारी के समान उपदेश करने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे, प्रभु यीशु मसीह जब उपदेश देते थे तो अधिकारी की नहीं उपदेश देते थे। बाइबल में पढ़ा है, लिखा है मरकुस और पहला अध्याय 21 और 22 वचन, और भी कफरनहूम में आए और वह तुरंत सप्त के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। अधिकारी की नाई उपदेश देता था, जैसे डॉक्टर हमको कहते हैं कि तुम लोग ध्यान दो, अगर तुमने ये कंट्रोल नहीं किया तो मुश्किल है। डॉक्टर बोलते हैं कि शराब बंद करनी है, शराब बंद करनी है, शराब बंद नहीं करेंगे तो तुम जो है 2 महीने में मर जाने वाले हो। डॉक्टर के पास वो अधिकार है, डॉक्टर देख रहा है सारे सिम्टम, सारे लक्षण उस शरीर के, इसलिए डॉक्टर कहता है कि अगर तुम शराब पियोगे तो 2 महीने तुम्हारे बाकी है। फिर वो कहते हैं अरे बापरे 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 बापरे, सिर्फ 2 महीने है, हाँ अरे बंद करो बंद करो बंद करो। फिर वो बंदा अपने आप शराब पीना बंद कर देता है, और जो शराब पीना बंद नहीं करता वो मर जाता है, और जो डॉक्टर की बात मानता है वो बच जाता है। डॉक्टर अधिकारी की नहीं उनको समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी आज हमको अधिकारी की नहीं उपदेश देता है। प्रभु कहता है कि तुम अगर अपने पापों से पश्चाताप नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, प्रभु कहता है कि तुम पश्चाताप करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार सारी प्राणियों पर है। दूसरी बात, प्रभु यीशु का अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पर है। शाबाश। फिर अधिकारियों के साथ उपदेश करता है प्रभु यीशु मसीह, अधिकारी की नहीं उपदेश करता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह
की वाणी में अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह के वाणी में अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह कहते थे जा तेरा बच्चा ठीक हो गया है, और वो उसी घड़ी चंगा होता था। हालेलुया, जा दुष्ट आत्मा से तेरे बच्चा ठीक हो गया है, और वो दुष्ट आत्मा तुरंत छोड़ देता था। प्रभु के शब्दों में, प्रभु की वाणी में अधिकार है, प्रभु के दासों की भी वाणी में अधिकार है। बहुत सारे लोग कहते पास्टर आपने सिर्फ कह दिया था ना वैसे हो गया, आपने कह दिया था वैसे हो गया पास्टर, सच में आपने जो बोला ना पवित्र आत्मा के द्वारा बोला आपने, तो प्रभु परमेश्वर के लोगों यीशु के वाणी में अधिकार है, चाहे वो आशीष दे चाहे वो श्राप दे। बहुत बार परमेश्वर ने आशीष दी तो आशीष लग गई, और एक बार प्रभु यीशु मसीह ने श्राप भी दिया था पेड़ को, पढ़ी उस वचन को, मत्ती 21 अध्याय का 19 वचन है, 19 से लेके आगे पढ़ते रहिए जो है 21 तक। और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ और कुछ ना पाकर उससे कहा अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों ने चंबा किया और कहा यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पर, तो वो हो जाएगा। यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अगर श्राप भी दे तो वो श्राप लग जाता है। भैया प्रभु हम क्या करें कि जिससे प्रभु हमको श्राप ना दे बल्कि प्रभु हमको आशीष दे। हम उसको जो अच्छी चीजें लगती है वो हम करें। उसको लगता है कि हम चर्च में जाएं तो हम चर्च में जाएंगे, उसको लगता है कि हम समय पे चर्च में जाएं तो समय पे चर्च में जाएंगे, उसको लगता है कि हम बाइबल पढ़े और प्रार्थना करें तो बाइबल पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, उसको लगता है कि हम परिवार के साथ प्रार्थना करें तो हमें परिवार के साथ बाइबल पढ़े और प्रार्थना भी करें, उसको लगता है कि हम कभी भी व्यभिचार ना करें, कोई भी गलत ना करें, किसी की भी विरोध में ना बोले तो हम कभी ना बोले, उसकी सारी आज्ञाएं लिखी हुई है, जब वो आज्ञाओं का हम पालन करेंगे तो क्या होगा, प्रभु हमारे ऊपर खुश होगा, खुश होगा तो प्रभु हमको आशीष देगा। प्रभु कहता है ये मेरा परम प्रिय पुत्र है तुम इसकी बात मानो। प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर पिता ने कहा, तो आप भी अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के परम प्रिय पुत्र बनोगे, परम प्रिय पुत्री बनोगे, तो प्रभु आपको भी आशीष देगा। लेकिन दुष्टों को वो कहता है कि तुझे मेरे व्यवस्था से क्या लेना देना, तू क्यों मेरी व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है, तू तुझे कोई लेना देना नहीं मेरे व्यवस्था से, क्यों, क्योंकि दुष्ट हमेशा दुष्ट बातें करता रहता है, दुष्ट बातें करता रहता है, इसलिए दुष्टों को अधिकार नहीं है कि वो प्रभु के वचन पर ध्यान दे। सारे काम उनके गंदे और बाइबल लेके बैठे क्या फायदा, सारे काम उनके व्यभिचार के, सारे काम उनके लूटने के, सारे काम उनके गंदे और बाइबल लेके बैठे, कितनी दुख की बात है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि जो है प्रभु हमारे जीवन में फल देखना चाहता है, आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। वो चाहता कि हम ये सब चीजें हमारे अंदर रहे, प्रभु चाहता कि हम औरों को भी चर्च में लाने वाले बने, प्रभु चाहता कि हम सब लोगों को लाने वाले बने, कितनी अच्छी बात है। और जब हम फल देंगे तो प्रभु हमें श्राप देगा नहीं, लेकिन प्रभु कहेगा मैंने तुमको इतनी लंबी आयु दी, तुमने कभी जाके प्रचार नहीं किया, तुमने जाके कभी चर्च नहीं गए, थर्सडे प्रेयर में तुम गए नहीं, कितनी दुख की बात है, ऐसे प्रभु कहेगा। तो इसलिए रविवार को, थर्सडे प्रेयर को, शुक्रवार शनिवार, रविवार को चर्च में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
फिर अगली बार प्रभु जो है हम देखते कि ये उपदेश कैसे प्रभु देता है। बाइबल में लिखा है कि वाणी में अधिकार था प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के जो है अशुद्ध आत्मा पर अधिकार था। अशुद्ध आत्मा मरकूस उसका पहला अध्याय का 23 वचन से लेकर पढ़े। और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए। यहाँ पे हम देखते कि जो है वो अशुद्ध आत्मा उसे मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। हमारे कलवरी चर्च में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो दुष्ट आत्मा से भरे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको आजाद किया। बहुत सारे लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा हावी हो जाती है, उनको मालूम भी नहीं चलता कि दुष्ट आत्मा हावी है। अभी मैं अर्जौली एक परिवार में गए थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उस परिवार में हम गए थे और वहां पे वो काम किया और प्रभु ने वहां पे काम किया और वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी उनके जीवन में, और वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है हम गए थे कि प्रभु परमेश्वर उनको प्रॉब्लम को दूर करे और प्रभु परमेश्वर उनको आशीष दे। और जब हम उनके पास गए तो प्रभु परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। प्रभु के पास उनके पास जब हम गए तो उनको प्रभु ने आशीषित किया। हालेलुया। उनके घर में दुष्ट आत्मा थी और वो दुष्ट आत्मा उसके उनके परिवार में क्या कर रही थी, तलाक ला रही थी। वो तलाक लेने के लिए पति पत्नी भी गए और इतने सुंदर लोग हैं वो, दिखने के लिए सुंदर, पैसा भी भरपूर, सब कुछ भरपूर, बड़े बड़ा घर, लेकिन शैतान जो है क्या कर रहा है, वो तंत्र मंत्र कर रहे हैं लोग उनके ऊपर, वो तलाक, ये दुष्ट आत्मा की तलाक। फिर हम गए, हमने प्रार्थना की और हमने उनको बताया कि भाई ये सब अरे कारण तो कुछ भी है नहीं, थोड़ा सा मतलब ऐसा कारण है कि जो कोई खास नहीं, कोई किसी ने हाँ कोई बेविचार का कारण नहीं है, दोनों भी पति भी विश्वासियों के पत्नी के साथ, पत्नी भी विश्वासियों के पति के साथ, छोटी मोटी चीजें हैं। तो हम कहते कि हर परिवार में होता है ऐसा, हर पति पत्नी में होता है कि एकदम छोटी सी बातों पे तुम जो है एकदम तलाक लेने के लिए तैयार हो। वकील के पास गए, आज पेपर देने वाले थे वो तलाक होने के लिए, उनका बहुत बड़ा बच्चा है, वो फिर भी जो है वो ऐसा कर रहे हैं। क्यों? दुष्ट आत्मा का असर। इसलिए जब हम चर्च में आते हैं तो वो दुष्ट आत्मा का असर क्या हो जाता है, निकल जाता है। आप यहां पे आए हो एक व्यक्ति के कारण आपके घर पर प्रभु की आशीष आएगी। हालेलुया। इसलिए हम थोड़ा सा लेट आए आज यहां पे, क्योंकि हम काउंसलिंग कर रहे थे, उनको बता रहे थे। आखिरी में दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को माफी मांगी और वो फिर से ठीक होने के लिए तैयार हो गए। ताली बजा प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। बहुत बड़ा विजय लेके आए हम, बहुत बड़ा विजय लेके आए, प्रभु का धन्यवाद हो। तो दुष्ट आत्मा जब आता है तो मालूम नहीं चलता वो क्या काम कर रहे हैं, वो एकदम चोर को नहीं पता क्या आता है कि मैं अभी आज रात को चोर करने अभी तुम्हारे घर में आ गया हूं, पता नहीं चलता। यकायक आ जाता है शैतान चोर। उसी प्रकार आपके परिवार को भी बचाना है तो वो सिर्फ यीशु मसीह बचा सकता है। सिर्फ प्रभु के भवन में आना है आपको। प्रभु के भवन में जब आप आओगे तो शैतान का असर दूर हो जाएगा। पिछले दिनों में भी एक लड़की, हम पास्टर अपना आराधना कर रहे थे साउथ एक्सटेंशन में, और वो एकदम नॉर्मल थी, वो लड़की हंस रही खेल रही बोल रही कैसे गाती गया ये वो, और जैसे पास्टर अब्राहम ने आराधना करना शुरू कर दिया वो एकदम खेलना चिल्लाना जोर से करना ये करना वो करना शुरू कर दिया।
दुष्ट आत्मा बाहर निकल रहा था। परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु के भवन में आते हैं, दुष्ट आत्मा चली जाती है। यहां पे हम जब बैठते हैं तो प्रभु हमारे लिए उधर काम करता है, इधर काम करता है, उधर काम करता है, पवित्र आत्मा काम करता है हमारे अंदर। प्रेज द लॉर्ड। तो वो दुष्ट आत्मा उसमें थी और उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया। आज दुष्ट आत्मा है लोगों के अंदर, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं लाते, वो डॉक्टर के पास हो जाते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन के इंजेक्शन ठसाटस इंजेक्शन देता रहता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। पास्टर रिपोर्ट में तो कुछ आता ही नहीं, लेकिन यहां दर्द है, वहां दर्द है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पास्टर रात में बड़ी डरावने सपने आते हैं, पास्टर मेरा गला सब कोई घुटता है। अरे भैया चर्च आओ, चर्च आओ, हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है। तो यहां पे लिखा है कि प्रवेश ने कहा चुप हो जा और उसमें से निकल जा। जब हम अपने बच्चों को प्रभु के पास लाते हैं तो प्रभु एक आज्ञा देता है, चुप हो जा। शैतान को क्या कहते हैं प्रभु? चुप हो जा और उसमें से निकल, उस खानदान में से निकल, उस बेटे में से निकल। आज हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। शैतान का कब्जा उनके ऊपर धीरे धीरे होता जा रहा है। आप अपने जैसे इस बेटे के पापा ने उसको यीशु के पास लाया, एक्चुअली वो लाया था यीशु के चेलों के पास भी लाया था, लेकिन उसके चेले उस बच्चे को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास लाया, आज हमें यीशु मसीह की कलीसिया में लाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हूं। और वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति एकदम ठीक हो गया और फिर उसके घर में आशीष आई। नहीं तो पापा को क्या करना पड़ता था? सारे काम छोड़ के बच्चे को ही देखना पड़ेगा। नौकरी नौकरी छोड़ दी थी। फरीदाबाद से मुझे एक फोन आया था, बोले पास्टर मेरा मेरी बेटी या बेटा मेरे पास है, उसको तो बहुत परेशानी होती है। बोले क्या होती है? जैसे मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूं वो शैतान उसमें आ जाता है, भंगे सब टीक रहता है, जैसे ही दुष्ट आत्मा, और फिर वो उल्टे सीधे काम करता है। अब वो शैतान जो है ना मेरी नौकरी खा रहा है, मेरी नौकरी जो है गवर्नमेंट जॉब है ये नौकरी खा रहा है, अब बताओ क्या करूं। मैंने कहा नहीं आप आओ, प्रभु परमेश्वर ठीक करेगा। तो शैतान जब आता है ना तो आपको मालूम नहीं चलेगा वो क्या कर रहा है। आपकी गवर्नमेंट जॉब खा रहा है, आपकी प्राइवेट जॉब खा रहा है, आपके पति को खा रहा है, आपकी पत्नी को खा रहा है, आपकी बेटी को खा रहा है, आपके बेटे को खा रहा है, आपके पैसे को खा रहा है। इसलिए शैतान जब आता है उसका काम एकदम गुपचुप शांत से कर लेता है, वो करके निकल भी जाएगा मालूम भी नहीं चलेगा। चोर आता है चोरी करके चोरी घात नाश करके चला भी जाएगा मालूम नहीं चलेगा। इसलिए चर्च में आना जरूरी है, इसलिए प्रवेश के अधिकार के नीचे आना जरूरी है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है, पाप क्षमा का अधिकार दिया है, अधिकार के उपदेश करने का अधिकार दिया है, वाणी में प्रभु के अधिकार है, अशुद्ध आत्मा पर प्रभु का अधिकार है, फिर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने का अधिकार है। क्या लिखा पढ़िए लूका 18 अध्याय का जो है हालेलुया 18 वचन। किसी संतान ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। यहाँ पे लिखा है कि उत्तम गुरु अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, मतलब ये व्यक्ति अनंत जीवन का अधिकारी बनना चाहता था और वो अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास है कि जो किसी को भी अनंत जीवन का अधिकारी बना सकता है। तो आज अनंत जीवन का अधिकारी कौन बना सकता है? यीशु आपको बना सकता है, मुझको बना सकता है। जिन्होंने ग्रहण किया उनको अधिकारी बना दिया है, आप अधिकारी हो चुके हो। और एक और बात जो है, प्रभु परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बच्चे बन सकते हो, तुम मेरे बच्चे बन सकते हो। कौन बन सकता है प्रभु का बच्चा? पढ़िए उस वचन को, यूहन्ना पहला अध्याय का 12 वचन।
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अतः तुम्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जिन्हों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। मेरे पीछे बोलो, परंतु जिन्हों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो जैसे हमने प्रभु को ग्रहण किया है तो प्रभु ने हमको अपने संतान होने का अधिकार दिया। आज प्रभु के अधिकार से हम प्रभु के बच्चे होने का अधिकार है। यूहन्ना 1:12। फिर प्रभु को और क्या करने का अधिकार है? न्याय करने का अधिकार है। बाइबल में यूहन्ना 5:27 में लिखा है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार है दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह को जो मनुष्य का पुत्र है न्याय करने का अधिकार है। प्रभु जो जज लोग कितने बड़े होते ना, जज लोग बहुत इंपॉर्टेंट, उनको बहुत बड़ी सुरक्षा दी जाती है, उनको बहुत बड़ा काम के जेल में होता है। तो प्रभु यीशु मसीह को क्या अधिकार दिया है? न्याय करने का अधिकार, न्याय करने का अधिकार। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह को मूर्तों में से जिलाने का भी अधिकार है। प्रियो, लाजर जब मर गया था 4 दिन से कब्र में था और वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर बाहर निकला, और लाजर बाहर निकला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मुर्दे निकला, तो सारे मुर्दे निकला गए, जिंदा हो ऐसा नहीं बोला, सिर्फ लाजर का नाम लिया। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है कि जितने सारे कब्र में अब अंतिम दिन में प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनकर वह बाहर निकल आएंगे। बाइबल में लिखा उसे न्याय करने का अधिकार है। और जो हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5:27-29, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु न्याय करेगा, और किसका शब्द सुन के निकलेंगे? वो लिखा है यीशु मसीह का शब्द सुनकर जो मरे हैं कब्रों में से निकल आएंगे। मेरे मम्मी प्रभु में सो रही है, मेरे पापा प्रभु में सो रहे हैं, इनकी भी पापा है ना, हम जो है पापा से बहुत बात करता था मैं हमेशा। हालेलुया। यहाँ पे रहते थे पहले तो बात करता था सब कुछ। तो हमारे जो रिश्तेदार प्रभु में सो गए हैं वे फिर से यीशु का शब्द सुनकर जी उठेंगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है कि वो मुर्दों को भी जिलाएगा एक दिन, और न्याय भी करेगा उनका। हालेलुया। तो आज प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा अधिकारी है। इफिसियों 1:20-21-22 कि प्रभु यीशु मसीह कितना बड़ा अधिकारी है। प्रभु यीशु मसीह कितना बड़ा अधिकारी, पढ़िए उस वचन को। जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्ग के स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। बाइबल में लिखा है कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पांव तले कर लिया गया है। हर एक पंत प्रधान की कुर्सी यीशु मसीह के पांव के तले है। आपकी बीमारी का अधिकार भी प्रभु यीशु के पांव के तले है। सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले क्या है? सब कुछ। उसमें बीमारी लो, नौकरी लो, कुर्सी लो, सब कुछ लो, सब कुछ प्रभु के पांव के नीचे है। हालेलुया। लिखा है कि सब कुछ इस लोक में परलोक में सब कुछ प्रभु के पांव के तले परमेश्वर पिता ने कर दिया। सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराया।
सब वस्तुओं का शिरोमणि रहा है। अब उस यीशु को किसको दे दिया पता है? उस यीशु को किसको दिया पता है? किसको दिया? लिखा है और शिरोमणि ठहराकर यीशु को कलीसिया को दे दिया। इसलिए हम कलीसिया में आते हैं। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। हमारे चर्च में कौन आता है? सबसे बड़ा अधिकारी आता है, चाहे कलेक्टर आए ना आए, चाहे प्रधानमंत्री आए ना आए, लेकिन हमारी कलीसिया में सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो आता है, आज वो हमारे बीच में है और इसलिए हम उसके अधिकार को मानते हैं। अभी हम देखते हैं कि कैसे मूर्ति जलाए जाएंगे। अभी अगली बात हम देखेंगे ये अधिकार किसने दिया है यीशु मसीह को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अधिकार किसने दिया है, किसने दिया अधिकार। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि अधिकार उसको प्रभु यीशु मसीह को अधिकार किसने दिया है। हालेलुया। लोग जो है कह रहे थे ये किसे पाप क्षमा कर सकता है, ये पाप नहीं क्षमा कर सकता, ऐसे उसके बारे में बताया जाता है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, तो लोग कहने लगे वाह 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 वाह, ऐसे कैसे पाप क्षमा कर सकता है। पढ़े उस वचन को लूका 5:21। अब शास्त्रीय फरीसी विवाद करने लगे कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है। सहज सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। इसलिए परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वो तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजा प्रभु के लिए। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सिर्फ पापों की क्षमा नहीं कर सकता लेकिन बीमारी पर भी अधिकार है उसका। प्रभु यीशु ने उसको पहले पापों की क्षमा कराई और उसको कहा उठ और मैं तुझे कहता हूं कि मैं खाट उठाकर चला गया। तो ये अधिकार उसको पिता ने दिया है। बाइबल में लिखा है एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे कि ये किसके अधिकार से करता है, तुम किसके अधिकार से। प्रभु यीशु मसीह को प्रश्न पूछा उन्होंने कि तुम किस अधिकार से करते हो और तुझे किसने अधिकार दिया है। लूका 20:2। और कहने लगे कि हमें बता कि तू इन कामों को किस अधिकार से करता है और वो कौन है जिसने तुझे अधिकार दिया है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझे बताओ कि यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला कौन था, स्वर्ग से था क्या पृथ्वी। और वो कहते मनुष्य कहता था, वो कहते हमने बताया। तो प्रभु कह रहे हैं मैं भी नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हें किस अधिकार से काम करता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बताता है कि मुझे परमेश्वर पिता ने अधिकार दिया है। हालेलुया। यह अधिकार पिता को, प्रभु यीशु मसीह किसने दिया था? पिता ने दिया था। परमेश्वर पिता ने वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया है और आज ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हालेलुया हम भी प्रभु यीशु मसीह से ले। हालेलुया। और हालेलुया बाइबल में लिखा है कि कैसे जो है वो अधिकार हालेलुया प्रभु परमेश्वर ने दिया है। अब ये अधिकार जो पिता ने, मेरे पीछे बोलो, पिता ने जो अधिकार यीशु मसीह को दिया वही अधिकार यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया और वही अधिकार हमें अपने चेलों को देना है। समझ गए आपने? समझे जो अधिकार पिता ने यीशु को दिया और यीशु ने अपने चेलों को दिया और वही अधिकार हमको अपने चेलों को देना है। बाइबल में लिखा है मत्ती उसके 10:1 से। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाल ले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर कर ले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने मुझको अधिकार दिया है। पिछली बार कोटला में मैं गया था और वहां पे ऐसे दुष्टात्मा से भरा व्यक्ति था, इधर पांच और वो 10 लोगों को दुष्टात्मा हिला रहा था। आज जैसे मैं गया वहां पे वो दुष्टात्मा एकदम शांत हो गया, मेरे पांव पड़ने लगा।
मतलब मैं 10 लोगों से बड़ा ताकतवर हूं, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर यीशु मसीह था और वही यीशु आपके अंदर है। वह अधिकार की सामर्थ पर ईश्वर ने हमको दिए, हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार प्रभु ने हमको दिया। अब यह अधिकार आपको दूसरों को देना है, इस अधिकार को इस्तेमाल करना है, इस अधिकार को इस्तेमाल करना है। अब किसी ऑफिसर, वो अगर चौकीदार जैसे रहना शुरू करेगा तो चलेगा क्या? नहीं। बहुत सारे विश्वासी चौकीदार जैसे रहते हैं। प्रभु ने उनको अधिकारी ठहराया है लेकिन वो कैसे रहते हैं? चौकीदार जैसे। एक ऑफिस में सबसे बड़ा डायरेक्टर एकदम चौकीदार जैसे जाके कुर्सी में बैठ जाए, हाँ साहब कहना शुरू करे तो लोग उसको हंसेंगे। उसी प्रकार शैतान आज बहुत सारे विश्वासियों को देख के हंस रहा है। शैतान के अधिकारी कौन है? हम लोग हैं। अशुद्ध आत्माओं पर प्रभु ने हमको अधिकारी ठहराया, और हम लोग अगर पीछे हटेंगे तो शैतान और आगे बढ़ेगा। हमको प्रभु ने अधिकार दिया। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने दो दो करके भेजा और कहा कि मैंने तुमको अधिकारी ठहराया। फिर वो गए, प्रचार किया, दुष्ट आत्मा को भगाया, चंगाई दी। वे प्रभु यीशु के पास आ गए, 70 लोग खुश हो गए। क्या कहने लगे देखो, लूका 10 अध्याय का 17 वचन से, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। और यहाँ पे लिखो, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कोई कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। प्रियो, बहुत सारी चीजें मुझको भी खिलाई गई, तंत्र मंत्र की चीजें मुझे खिलाई गई, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया, ताली बजा प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, बोले किसी वस्तु से मुझे कुछ हानि ना होगी, चाहे मैं कुछ भी खा लू, कुछ भी पी लू, वो जहर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ताकत मेरे अंदर है। शैतान का अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है। इस पृथ्वी पर अधिकारी कौन है? अभी इस वक्त अधिकारी कौन है? बोलो मैं। कौन है? मैं। आप अधिकारी है। वो अधिकार आपको कैसे मिलेगा? यीशु मसीह से मिलेगा। इसलिए अधिकारी यीशु मसीह के पास जाके प्रार्थना करो, ज्यादा बाइबल पढ़ो ज्यादा, तब आपका अधिकार और बढ़ता जाएगा। प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन मिलेंगे। हालेलुया, इस अधिकार को इस्तेमाल करना है। हमारे चर्च में जो बीमार है, दुष्ट आत्मा से भरा है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। हमारे चर्च में जो बच्चे है, वो जब प्रार्थना करते तुरंत हो जाता है। बड़े बड़े लोग कहते हैं, अरे उससे प्रार्थना करवाओ, उससे प्रार्थना कराओ, उससे प्रार्थना कराओ। ये बहुत अच्छी प्रार्थना करने वाले जो लोग मेरे संगति में बैठते हैं, उनके पास वो अधिकार आ रहा है धीरे धीरे। जो लोग चर्च में आके बैठ जाते हैं, उनके पास वो अधिकार आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। कितनी सामर्थ पर? सारी। मतलब ऐसा एक भी दुष्ट आत्मा नहीं है कि जिसके ऊपर हमारे अधिकार दिया नहीं हो। सारी शैतान की शक्तियों पर अधिकार दिया। इसलिए आपको शैतान को डरना नहीं, प्रभु ने आपको सारा अधिकार दिया है। और जहां भी आप जाएंगे, बाइबल में लिखा है, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है प्रभु परमेश्वर। लेकिन प्रभु कहता है, वो लोग खुश हो गए, बहुत 70 लोग, अरे प्रभु क्या बताऊं, वो दुष्ट आत्मा है करते करते प्रार्थना की तो एकदम वश में आ गया, मैंने निकल जाओ। प्रभु कहता है कि इसलिए तुम आनंदित मत हो जाओ कि शैतान तुम्हारे पास देख के तुम्हारे वश में आता है, इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। तो आज हमने देखा प्रियो, हालेलुया, इस अधिकार जो कौन से अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिए है, बहुत सारे अधिकार दिए।
स्वर्ग और पृथ्वी का पाप क्षमा करने का अधिकार के साथ उपदेश करने का, वाणी में अधिकार, अशुद्ध आत्मा पर अधिकार, बीमारी पर अधिकार, संतान मारने का अधिकार, न्याय करने का अधिकार, मुर्दों में जी जाने का अधिकार स्वर्ग अधिकारी ठहराया। किसने अधिकार दिया प्रभु यीशु मसीह को? पिता परमेश्वर ने अधिकार दिया है। ये प्रभु यीशु मसीह ने पिता ने प्रभु यीशु को अधिकार दिया, और यीशु मसीह ने किसको दिया? अपने चेलों को अधिकार दिया, और उनके चेलों ने उनको चेलों को, उनके चेलों ने उनको चेलों को। 2000 साल हो गए, ये अधिकार क्या होता है? ट्रांसपेरेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसपेरेंट। अब ये अधिकार पास्टर प्रदीप गायकवाड़ के पास आ गया, अब ये अधिकार कलगुरी चर्च के हर एक सदस्य के पास आ गया, खास करके वो लोग जो उपवास प्रार्थना में आते हैं, खास करके वो लोग जो जो रविवार की सेवा में आते हैं, खास करके वे लोग जो पवित्रता के साथ रहते हैं, उनके पास वो अधिकार आया। मेरे पापा के पास वो अधिकार था, वो अधिकार मुझे भी आ गया है। अब वो अधिकार मैं चर्च के लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, और वो मेरे बच्चों मेरे चर्च के लोगों के पास भी आ गया। अब पास्टर अब्राहम के अंदर वो अधिकार आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर अब्राहम जब प्रार्थना करते हैं तो चंगाई मिल जाती है, जब वो आराधना करते हैं तो दुष्ट आत्मा भागना शुरू कर देती है। ये अधिकार इस्तेमाल करना है, ये अधिकार। अगर आप वो अधिकार इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, तूने हमको यह अधिकार दिया है कि हम प्रभु परमेश्वर पिता दुष्ट आत्माओं के ऊपर बीमारियों को हम हटाए, दुष्ट आत्माओं को नष्ट करें, दुष्ट आत्माओं को बांध दे, लोगों को आजाद करें। यह अधिकार तूने हमको दिया है। आज जो जो वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, इनके ऊपर भी प्रभु शैतान का जो अधिकार है, मैं उसको दूर कर देता हूं। उनके घरों में जो शैतान का काम चलता है, शैतान जो आवाज लगाता है, यीशु के नाम से मैं बांध देता हूं। आज के बाद कोई दुष्ट आत्मा काम करने ना पाए, आज के बाद कोई शैतान काम करने ना पाए। हे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतराने दे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कलवरी चर्च के हर एक सदस्य के हर एक घर में, जहां जहां यह आवाज जा रही है, जहां जहां प्रभु ये आवाज पहुंच रही है, उन घरों को मैं शुद्ध करता हूं, यीशु के नाम से मैं शुद्ध करता हूं। प्रभु, कोई दुष्ट आत्मा कार्य करने ना पाए, कोई दुष्ट आत्मा वहां पे आने ना पाए। तूने हमें अधिकारी ठहराया है उन दुष्ट आत्माओं का, हाल इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु। सारी बीमारियां यीशु के नाम से दूर, हमने डांट दी उन बीमारियों को, हमने डांट दी उन दुष्ट आत्माओं को, हम डांट देते प्रभु परमेश्वर, क्योंकि प्रभु को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। आज उनके पाप क्षमा करने का अधिकार भी परमेश्वर के दासों को दिया गया है। तूने कहा कि जिनकी तुम पाप क्षमा करोगे उनके क्षमा हो जाएंगे, जिनके नहीं करोगे उनके नहीं होंगे। आज हम प्रभु इस देखने वाले हर एक व्यक्ति के पाप क्षमा होने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं। कलोरी जैसे हर एक सदस्य के पापों की क्षमा कर। प्रभु, तूने हमें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया, धन्यवाद देते प्रभु। ये अधिकार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तूने कहा तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी, कोई हानि हमको ना हो प्रभु। चाहे हमको कोई भी खिलाए पिलाए प्रभु जी, हमें कोई चीज के बारे में टेंशन नहीं है, क्योंकि हम यीशु का नाम लेते हैं, हम यीशु की सेवा करते हैं। धन्यवाद यीशु राजा। तूने कहा शत्रु की सारी सामर्थ्य पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। आज हम आनंदित होते हैं, आज हम विश्वास से भर जाते हैं। तेरी महिमा हो। हर एक व्यक्ति को आशीषित कर, और हर एक व्यक्ति को आजाद कर। तेरी पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति पर मंडलाए, ये सारी जरूरतें पूरी कर। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु, आज के बाद हम यह अधिकार इस्तेमाल करेंगे। प्रार्थना में अधिकार के साथ कहेंगे, हे शैतान निकल जा। प्रार्थना में अधिकार के साथ कहेंगे, हे बीमारी निकल जा। प्रभु, सारे झगड़े की आत्मा, विरोध की आत्मा, टूट फूट की आत्मा, इनको यीशु के नाम से बांध देंगे। प्रभु, तूने हमें अधिकार दिया, तूने हमें अधिकारी ठहराया। प्रभु, हम सर्वसाधारण लोग नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जिस यीशु मसीह को दिया है, उसी यीशु ने मुझे भी अधिकार दिया है। तूने कहा कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग पर बांधेगा,
स्वर्ग में जो खोलोगे पृथ्वी पर खुलेगा। प्रभु इतना बड़ा अधिकारी तूने हमें ठहराया, तू मेरा यीशु सबसे सर्व अधिकारी है, सबसे बड़ा अधिकारी है। इस दुनिया के अधिकारियों के पीछे हम क्यों भागे? हम यीशु मसीह के पीछे भागेंगे, हम यीशु मसीह के पीछे अपने काम उससे करवाएंगे। हमें इन अधिकारियों की जरूरत नहीं है, मेरा प्रभु मेरा काम करेगा। सबसे बड़ा अधिकारी यीशु मसीह है, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार उसको दिया गया है। उस अधिकारी की मैं आराधना करूंगा। धन्यवाद देते प्रभु जी, आदर महिमा सम्मान तुझको देते हैं। हर एक व्यक्ति को जैसे वो अपने घर जाते हैं आशीषित कर, अधरी महिमा हमें दे। सारे बंधनों को तोड़ प्रभु जी, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर देता। आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कलवरी चर्च के साथ, हमारे दर्शकों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। आमेन आमेन। प्रियो जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे। आज शाम को साउथ एक्सटेंशन में चर्च जरूर होगा, वहां पे आइएगा। हालेलुया। और याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा अधिकारी है और उसी अधिकारी के पीछे हम रहेंगे। इधर उधर के अधिकारी के पीछे नहीं, यीशु मसीह सबसे बड़ा अधिकारी है और उसको खुश करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा अधिकारी है। शालोम शालोम शालोम।